अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? वो आई आई ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये क्या है पूर्वी? देखना इयररिंग्स। पूर्वी तो कितना सुंदर है ना? कितना प्यारा डिजाइन है। पता था कि तुझे जरूर पसंद आएगा। थैंक यू। आई पापा करे कि तेरी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे और तू जो कुछ भी डिजर्व करती है ना तुझे हमेशा मिले। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के। नहीं, मुझे घर जाना है, आज ही वेट कर रही हूँ कि फिर फ्रेश होकर ऑफिस भी जाना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके अच्छा ठीक है, तू घर जा और आराम कर थोड़ा सा, और हाँ ज्यादा काम का स्ट्रेस मत लेना। ठीक है? हाँ आई ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। हाँ चल संभल कर जाना। हाय बाय बाय। अरे पूर्वी तू वो आई मेरा पर्स छूट गया था। चलती हुआ बाय बाय बाबा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे इंटरनेट यूज करना था, कोई कंप्यूटर? हाँ आप वो कंप्यूटर यूज कर सकती हैं। ओके थैंक यू। वेलकम। तेरी ये तेरे पास कहां से आया यार? चुपचाप देख, चिल्ला क्यों रहा है? कमाल है यार, कहां से आई ये पता नहीं, किसी अननोन नंबर से मेरे फोन पे फॉरवर्ड किया है। माय गॉड विनय, ये तो पूर्वी है, तेरी एक्स मंगेतर। अरे यार इसको तो हम सती सावित्री समझते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की लड़की निकलेगी। अरे यार तुम्हें तो क्या, मुझे भी ये सब आज ही पता चला है। मुझे तो लगता है कि इसी वजह से उसने हमारी सगाई भी तोड़ी होगी। हाँ हो सकता है, और वैसे भी आजकल के जमाने का कुछ भरोसा नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि पूर्वी इतना नीचे गिर सकती है। खैर चल ये वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर। चल अच्छा पूर्वी आ गई, चल। अनुष्का ये ले मिठाई खा, वो हमारा पुणे वाला कॉन्फ्रेंस था, बहुत सक्सेसफुल रहा, उसी खुशी में। क्या हुआ, खाना मोटी नहीं हो जाएगी? अरे दादा ये लो, ये मिठाई ना सब में बांट दो। ठीक है
क्या हुआ? क्या देख रहे हो? लो ना, सब में बांट दो जल्दी से। ओके मैडम। मैंने कल तुम्हें एक फाइल दी, जरूरी करेक्शंस भी किए थे। तुम्हें सिर्फ अपना इनपुट देके इसको फॉरवर्ड करना था, लेकिन ये काम नहीं हुआ। क्यों? हाँ, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए मतलब? तुम्हारे पास कल का पूरा दिन, फिर? हाँ तो ठीक है ना, कल नहीं किया तो आज कर दूंगा। और वैसे भी पूर्वी। पूर्वी नहीं, मिस पूर्वी। I'm senior to you. To have some respect while talking. मिस पूर्वी, मैंने ये फाइल पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन दिए हुए समय में काम पूरा नहीं हुआ। अरे वाह पन्नी, क्या टाइमिंग है तेरी। बिल्कुल सही वक्त पर ऑफिस में आई हो तुम। जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हें कल और कोई असाइनमेंट नहीं मिला था, राइट? और अगर तुमसे काम नहीं हो रहा था तो मुझे इन्फॉर्म करके बता देते। ओह, आई एम सो सॉरी। जो इंसान मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं कर सकता वो इन्फॉर्म क्या करेगा, है ना? मैसेज कब किया तुमने मुझे मैसेज? अच्छा, तो अब ये बात भी मुझे ही तुम्हें बतानी पड़ेगी, है ना? मैंने इस असाइनमेंट के रिगार्डिंग मैंने तुम्हें 3-4 रिमाइंडर्स भेजे, लेकिन अगर तुम्हें अपने फालतू कामों से टाइम मिले तब तो तुम अपना फोन चेक करो ना। ओ हाँ, तुमने कॉल किया था और मैसेज भी। थैंक्स फॉर द रियलाइजेशन बाय द वे, लेकिन सब कामों में इस तरह देर करना ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारे सामाजिक बिहेवियर को कंपनी ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वक्त रहते तक अपने आप को सुधार लो। इट विल बी गुड फॉर यू। मिस्टर प्रसाद, हमारी जो चेन्नई से मशीनरी आने वाली उसका इन्वेस्टमेंट्स, कैन आई हैव द शीट प्लीज? राइट मिस्टर प्रसाद? यस सर। व्हाट्स रॉन्ग? आर वी वर्किंग हियर? एनी प्रॉब्लम? यस नो सर। आप कुछ देख रहे हैं? व्हाट आर यू वाचिंग? क्या देख रहे हैं अपने फोन पे? सर वो एक्चुअली। व्हाट एक्चुअली? आप खुद ही देख लीजिए सर। और हाँ, अब हम दोनों के बीच ना कुछ नहीं रहा, तो अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग ही रखो तो अच्छा है। In your limits. और तुम्हारी लिमिट्स? उसका क्या? पूर्वी, मुझे अपनी हदें अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तुम अपनी हदें भूल गई हो। ये रहा उसका सबूत। हम सब लोग यहाँ काम करने आते हैं, देर सवेर ही सही, लेकिन काम ही करते हैं। लेकिन ये क्या है? तुम यहाँ क्या करने आते हो? देखो इसे। तो ये वजह थी जिसके लिए पुणे कॉन्फ्रेंस से मेरा नाम काटा गया, और यही वजह है जिसके लिए तुमने हमारी सगाई भी तोड़ दी। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुमने अगर पूर्वी के खिलाफ एक शब्द और कहा ना, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द ऑफिस। सर, आप पूर्वी के लिए इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे? आप तो सिर्फ हमारे बॉस है ना सर। ऑफिस के ये बाकी सारे लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप और पूर्वी एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर, अगर आपको यही सब करना था तो आपने हमारी सगाई बचाने की इतनी कोशिश क्यों की? अगर पूर्वी को इस बात से कोई एतराज नहीं था तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही? छोड़िए, out of this office, throw him out, get out, I say, move. और आप सब लोग क्या देख? You're having fun? It's a festival, right? मजा आ रहा है आप सब लोगों को?
सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप लोग मुझे नहीं जानते, इस लड़की को तो जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, राइट? यार मुझ पे भरोसा नहीं है, उस एमएमएस पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग। जिस चीज को आपको बंद करके फेंकना चाहिए उस चीज को बढ़ा रहे, इजंट इट ग्रेट? दिस इज क्वालिटी, पूरी योर टीम अमेजिंग, इजंट इट? इन लोगों के लिए लड़ रही तुम, लड़ो, गो फाइट, फाइट फॉर देम। क्या आप समझ गए? एमएमएस देख के बड़े खुश हो रहे हैं, ये स्टडी सॉफ्टवेयर आता था आपको चलाना, यू न्यू इट, यू एनीवन न्यू इट? इस लड़की ने सिखाया, दिन रात काम करके आप लोगों को सिखाया, अगर ये नहीं होती ना सबको लात मार के फेंक चुका होता मैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर आप सब लोग यहाँ पे, और आप सब लोग इसी लड़की के अगेंस्ट खड़े। इट इज डिसगस्टिंग, आई स्वेयर टू माय गॉड, जिस दिन मुझे पता चला कि ये काम किसने किया, आई विल मेक दैट पर्सन लाइफ अ लिविंग हेल। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? व्हाई एम आई इवन टॉकिंग पूर्वी? गो, दैट्स योर टीम पूर्वी, लेट इट बी, मूव मूव। पूर्णिमा, अब जो हुआ सो हो गया है, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ओके? लो तुम पानी पी लो। डोंट वरी, सब ठीक होगा। ये लो, लो, इट्स ओके। I don't need anyone in the office right now. I'm really sorry, यार. मुझे लगा कि कोई और है. All of this, मुझे ये react नहीं करना चाहिए था. I know, but बिना इतना सब कुछ बोलते क्या कि it was unbelievable. I'm Purvi, you should just go home. Purvi, just I'm sorry. I'm really really sorry, man. मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि कोई मेरे बारे में भी ऐसी बातें कर सकता है। पूर्वी, ऐसा पूर्वी तुम क्या है? तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? अमी, जो भी हम लोगों ने कहा वो सब बकवास था, और वो तो कहते रहते हैं, भूल जाओ नहीं सब। पूर्वी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि सच क्या था। हाँ सर, लेकिन पता है सबसे ज्यादा हर्टिंग ये बात है कि इंसान ने कही मेरी शादी होने वाली थी। पूरी भूल जाओ सर, पूरी ऐसे भूल जाओ सर, बिकॉज वो सब झूठ था, वो सब गलत है। हम जानते हैं लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। तो लोग जान जाएंगे, हम बता देंगे। पूरी, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। पूरी, जस्ट प्लीज कम। आई नो सर, पर हाय अजीत, सबकी कितनी बदनामी होगी। आई नो, कुछ नहीं होगा। पूरी, विल टेक केयर, मैं हूं, विल टेक केयर, डोंट वरी। पूरी, जस्ट प्लीज डोंट कैश, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। अरे पुन्नी, आ गई तू? कैसी रही तेरी कॉन्फ्रेंस? ठीक थी बाबा, और हमने प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी दी कि प्रोजेक्ट भी हमें ही मिला। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, तू आ गई,
और मैंने सुना तूने कहा कि तेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। ये ले पानी पे पहले। ये अच्छा हुआ कि प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया। अरे अब तो तू अपने बॉस की आंखों में आ गई होगी ना। चल अच्छा है, फ्यूचर में तेरे तरीके के लिए बहुत अच्छी बात है। है ना? क्या हुआ वैसे? क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? आई समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या और कैसे कहूँ आपको। मतलब क्या है तेरा? कहीं तेरे और प्रशांत के बीच में तो कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं आई, बात वो नहीं। एक्चुअली बात पूर्वी की है। पूर्वी की? क्या बात है? पापा मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या है? इसमें क्या है? ऐसे नहीं कर सकती, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर इस एमएमएस क्लिप में अर्जुन सर और पूर्वी दोनों के चेहरे इतने क्लियर है कि हम डिनाई भी नहीं कर सकते। वो सब तो ठीक है, तू मुझे ये बता ये एमएमएस तुझे कहां से मिला? किसी ने भेजा क्या? किसने? ये एमएमएस क्लिप्स कहां से आते हैं, कौन भेजता है कभी पता नहीं चलता। मुझे लगा था कि शायद बाकी के लोगों को पता होगा कि ये कहां से है। बाकी के लोग से तेरा क्या मतलब है? ऑफिस के सारे लोग आए, सुनी जानती तो वैसे ऑफिस के सारे लोग मुझसे कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूर्वी की बहन हूं, वो मुझे से आके पूछ रहे हैं। शर्म आ रही थी मुझे, मुझे पूर्वी की बहुत चिंता हो रही, मैं समझ सकती हूँ उस पर क्या बीत रही। जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ तो मेरे पास मेरे आई बाबा थे, पर पूर्वी उसके पास तो नहीं। तू सच कह रही है? पूर्वी बिना अपनी हदें पार करने से पहले उसे खर्चों के बारे में तो सोचना चाहिए था। सारा नहीं सोचा इस लड़की ने। मैं भी एक माँ हूं और बेटी की बेइज्जती क्या होती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भुगत चुकी हूँ तेरे समय सब। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि जब अर्जु को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर पता नहीं क्या बीतेगी। नहीं आई, मैं नहीं चाहती कि अर्जु आतिया को कुछ भी पता चले। जो मेरे साथ हुआ वो पूर्वी के साथ नहीं होगा। मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े थे, आप सबकी डांट मिली, अपनों की नजरों में गिरना क्या होता है ये मैं तब जाके समझी, और फिर बाबा का वो एक थप्पड़ और मेरी आंखें खुल गई। मंजू मैं अभी अर्जुन से बात करता हूँ। अरे नहीं विनोद, तुम फोन मत कर, मैं वहां जाकर उन लोगों से खुद इस बारे में बात करूंगी। इस वक्त अर्जुन को सहारे की बहुत जरूरत है, और वैसे भी पता नहीं अगर तुम फोन पे आई और अर्जुन को इस बारे में बताओगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इससे बेटर है कि इस बारे में मैं उनसे आमने सामने जाकर बात करूं, वही अच्छा होगा, है ना? बापुनी, ये खेल तो काफी मजेदार बनता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हो। मेरी इस कंपनी को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत है। पूर्वी, आई नो कि तुम थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही हो, क्लाइंट्स को मना करना अच्छा नहीं लगता। आज तक अर्जुन सर के हर कमेंट को मैं अप्रिसिएशन मानती रही, लेकिन आज